सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। आप देख रहे हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरें। शुरुआत करते हैं पहले खबर से। 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ सहजनवा जाकर अटल आवासीय विद्यालय का निरीक्षण करेंगे, जिसके बाद वो जेल बाईपास फोर लेन के निर्माण कार्य की जानकारी लेंगे। वहां से निकलकर गोरखपुर मंदिर में रात्रि विश्राम के लिए पहुंचेंगे, जिसके बाद वो शुक्रवार की सुबह को जनता दर्शन के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ के लिए प्रस्थान करेंगे। गोरखपुर के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, जनता दरबार भी लगेगा और फरियादियों की फरियाद सुनेंगे। उसके बाद कई कार्यक्रम निर्धारित हैं। सबसे पहले वो हेलीकॉप्टर से गोरखपुर पहुंचेंगे और सहजनवा जाकर अटल आवासीय विद्यालय का निरीक्षण करेंगे। उसके बाद वो जेल बाईपास फोर लेन के निर्माण कार्यों की जानकारी लेंगे। फिर वहां से निकलकर गोरखपुर मंदिर में रात्रि विश्राम के लिए पहुंचेंगे। उसके बाद वो शुक्रवार की सुबह को जनता दर्शन के बाद लखनऊ के लिए प्रस्थान करेंगे। तो पूरा कार्यक्रम निर्धारित है सीएम योगी आदित्यनाथ का। तो कई योजनाओं का निरीक्षण करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, रुके हुए कार्यों की समीक्षा भी करेंगे। तो जब भी सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर जाते हैं तो वहां पे जनता दरबार लगाते हैं, जनता की फरियाद सुनते हैं। और इस खबर में मैसेज ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता हिमांशु जुड़ चुके हैं गोरखपुर से। हिमांशु, क्या कुछ कार्यक्रम निर्धारित है सीएम योगी आदित्यनाथ के? जी बिल्कुल, 3 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ को सहजनवा आना था। सहजनवा में उनको अटल आवासीय विद्यालय का एक उनका शुभारंभ करना था। इसके साथ ही साथ उनके बाद उनको वहां से आते हैं और देर शाम जो है योगी आदित्यनाथ शाहपुर में जो है बन रहे चौड़ीकरण रोड का जो हो रहा है उसका निरीक्षण करते और इसके बाद ही गोरखनाथ मंदिर उनको पहुंचना है। गोरखनाथ मंदिर में पहुंचने के बाद वन विभाग के साथ उनकी एक समीक्षा बैठक है। जी, तो इस बार जो दौरे पर है सीएम योगी आदित्यनाथ, तो सबसे महत्वपूर्ण कौन सा ऐसा कार्य है जिसके लिए आए हैं? और अगर बात करें जनता दरबार की, जो की कल लगने वाला है, उसकी क्या समय रहने वाला है? बिल्कुल, सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहले बता दें कि मीटिंग करके समीक्षा बैठक करके पूरे उत्तर प्रदेश को जो मंडलों में डिवाइडेड कर दिया है, सभी मंत्रियों को जो है अपने अपने क्षेत्र में रहने का निर्देश दिया गया है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ ने, चूंकि उनका मूल रूप से ये गढ़ है, तो यहाँ पे वो खुद अपने पास रखे हुए जनता दरबार लगाने के साथ ही उनकी ये समस्याओं को तुरंत निराकरण करने के लिए अधिकारियों को आदेश देना है और साथ ही स्वास्थ्य सुविधाएं के लिए उनको किस तरह की स्वास्थ्य सुविधा चाहिए या उनको पैसे चाहिए उस पर भी लोग उनको जो है देखना है। इसके लिए जनता दर्शन के कार्यक्रम में भारी तादाद में लोग पहुंचते हैं। जी, कई योजनाओं का निरीक्षण भी करेंगे, कौन कौन सी योजनाएं इस दौरान शामिल रहेंगी? जी बिल्कुल, 2 दिवसीय दौरे पे सीएम योगी आज आने वाले हैं और सीएम योगी आने के बाद सबसे पहले सहजनवा जो हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे, वहां पे अटल आवासीय विद्यालय का जो है शुभारंभ करेंगे। इसके बाद से ही वो जाएंगे और जेल रोड, शाहपुर के जेल रोड स्थित जो है रोड का निरीक्षण करेंगे, नालों का, जो की चौड़ीकरण हो रहा है। इसके बाद योगी आदित्यनाथ मंदिर में जाएंगे, मंदिर में विश्राम के बाद जो है शाम को एक वन विभाग के साथ बैठक करेंगे और बैठक में जो है पूरी तरह से उनको आदेशित करेंगे किस तरीके से सुंदरीकरण किया जाए, वन कुल संख्या बढ़ाई जाए, किस तरीके से रखा जाए कि सिटी और वन को जो है महत्व हो। और इसके साथ ही रात्रि विश्राम के बाद सुबह जनता दर्शन का एक कार्यक्रम करेंगे। जी हिमांशु, इस वक्त जिस तरह से लाउड स्पीकर के ऊपर बहुत तेजी से कार्यवाही चल रही है, गोरखनाथ मंदिर से भी लाउड स्पीकर हटा दिए गए हैं और अब जब सीएम योगी आदित्यनाथ दौरे पर रहेंगे गोरखपुर के, तो क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल, चूंकि अक्षय तृतीया और ईद के कार्यक्रम पड़ रहे हैं, एक साथ ही दोनों त्यौहार हैं, 3 तारीख को त्यौहार पड़ने वाले हैं। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक आदेश दिया था, शासन के आदेश पे सभी ने स्वेच्छा से अपने अपने जो है मंदिर हो या मस्जिद हो वहां से लाउड स्पीकर हटा लिए गए हैं। और इसके बाद जो है, चूंकि शहर की भावना है और आपको बता दें दिल्ली में हुई हिंसा के बाद से पूरी तरह से सतर्क था प्रशासन और इसके बाद देखिए कि यूपी में कोई भी हिंसा नहीं होती और इसी पे सतर्कता रखते हुए पूरी तरह से लाउड स्पीकर को हटाया जा रहा है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे संवाददाता हिमांशु जुड़े थे गोरखपुर से। रुक करते अगली खबर का। दंगाइयों, माफियाओं और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ पहले ही योगी का बुलडोजर गरज रहा है, जबकि पूरे देश में कई जगह सरकारें इस मॉडल को अपनाती दिख रही हैं।
अब इसी क्रम में योगी का नया लाउड स्पीकर मॉडल भी सुर्खियां बटोरने लगा है। स्थिति यह है कि योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद पूरे उत्तर प्रदेश के मंदिरों से लाउड स्पीकर हटाए जा रहे हैं। मंदिरों से लेकर मस्जिद तक लाउड स्पीकर हटाने की ताबड़तोड़ कार्यवाही चल रही है। पूरे प्रदेश में यूपी सरकार अभियान चलाकर अवैध लाउड स्पीकर को उतरवाने का काम कर रही है और जो वैध है वहां आवाज को नियंत्रित करवा रही है। तो तस्वीरों में देखा जा सकता है अलीगढ़, गोरखपुर, लखनऊ, श्रावस्ती सभी जगह से शासन प्रशासन कितनी सतर्कता से काम कर रही है। शांतिपूर्ण तरीके से लाउड स्पीकर को हटवाया जा रहा है। जो वैध है वहां पे जो साउंड है वॉल्यूम है उसको कम कराया जा रहा है ताकि नॉइस पॉल्यूशन ना हो। साथ ही साथ सभी धर्म गुरुओं के साथ बैठक करके इस निर्णय पे पहुंचे हैं और शांतिपूर्ण तरीके से पुलिस की मौजूदगी में हटवाए जा रहे हैं लाउड स्पीकर ताकि किसी भी तरह का कोई अशांति ना फैले और शांतिपूर्ण तरीके से पूरी कार्यवाही की जाए। सभी धार्मिक स्थलों पे ये दिशा निर्देश जारी हो रहे हैं। और इस खबर पे मैं ज्यादा बातचीत के लिए अलीगढ़ से संवाददाता नितेश माहेश्वरी जुड़ चुके हैं। नितेश, अलीगढ़ में अभी तक कितने मंदिरों और मस्जिदों पे कार्यवाही की जा चुकी है? अलीगढ़ की बात करेंगे तो लगातार इस तरीके की वो चल रही है कि मंदिरों से और मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटवाए जा रहे हैं। अगर बात करिए लाउड स्पीकर की तो जिस मंदिर पे या मस्जिद पे 4 स्पीकर लाउड स्पीकर लग रहे थे उसमें से 2 लाउड स्पीकर हटवाए जा रहे हैं और 2 का वॉल्यूम इतना कर दिया है जिससे आम जनता को कोई भी समस्या का सामना न करना पड़े, ध्वनि प्रदूषण ना हो। जी, क्या नितेश कहीं से कोई ऐसी खबर सामने आई जहाँ पे विरोध किया जा रहा हो लाउड स्पीकर उतरवाने को लेकर? अगर विरोध की बात करेंगे तो लगातार जैसे अगर मस्जिद में जाया जा रहा है तो वहाँ के मॉल भी बोल रहे हैं कि सत्ता के हालत में ये लाउड स्पीकर करवाए जा रहे हैं। हालांकि हमने आवाज भी कम कर ली है, इससे कोई दिक्कत नहीं हो रही है और नमाजियों को नमाज पढ़ने का समय पता लग सके इसलिए लाउड स्पीकर लगाए गए हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता नितेश माहेश्वरी जुड़े थे। तो सीधे तौर पर सीएम योगी द्वारा दिए गए निर्देश का पालन किया जा रहा है और नए धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर लगाने की इजाजत नहीं है, तो वहीं पुराने लाउड स्पीकरों की जो आवाज़ है उसको धीमा करवाया गया है और बाकी जो अवैध रूप से लगाए गए हैं उनको हटवाया जा रहा है। सीएम योगी ने साफ तौर पर कहा है कि हम किसी की आस्था को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते हैं, लेकिन जिस चीज से लोगों को दिक्कत हो उस चीज का समाधान करने के लिए सरकार काम कर रही है। खबर गाजियाबाद से है जहां डासना देहात के उस्मान घड़ी इलाके में 35 से 40 साल पुराने बने अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। सरकार ने अतिक्रमण से पहले नोटिस भी जारी किया था जिसके बावजूद मकान खाली नहीं करने पर प्रशासन ने अवैध मकानों पर कार्यवाही करते हुए उन्हें ध्वस्त कर दिया है। वहीं इस कार्यवाही के दौरान मौके पर एसडीएम सदर विनय कुमार, तहसीलदार समेत भारी पुलिस बल मौजूद रहा। गाजियाबाद की खबर सामने आ रही है जहां पे अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चला है। तस्वीरें देख सकते हैं आप किस तरह से जमींदोज किया जा रहा है बुलडोजर की मदद से। पहले नोटिस भी दे दिया गया था और आज कार्यवाही करते हुए इस पूरे अवैध मकान को गिराया गया है। हालांकि मकान को ढाने से पहले ही लोगों ने अपना सामान निकाल लिया था घर से बाहर, उसके बाद इस मकान को जमींदोज कर दिया गया है। तो वैध मकानों पर प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है, जिस तरह से अवैध अतिक्रमण किया जाता है और उसके ऊपर कार्यवाही की जा रही है सरकार द्वारा। पुलिस फोर्स को देख सकते हैं आप, पुलिस की मौजूदगी में शांतिपूर्ण तरीके से ये कार्रवाई की गई है। तो लगातार सरकार की तरफ से कार्रवाई की जा रही है अपराधियों पे, माफियाओं पे, अवैध तरीके से कब्जा करने वाले लोगों पे। हालांकि सरकार ने यह भी कहा था कि जो गरीब हैं, बेसहारा हैं, मजबूर हैं, उन लोगों के ऊपर किसी भी तरह की सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी, लेकिन जो लोग सक्षम हैं और सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करके बैठे हैं उनके ऊपर जरूर प्रशासन का बुलडोजर चलेगा। और 35 से 40 साल पुराने अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। आज सरकार ने अतिक्रमण से पहले नोटिस भी जारी किया था। इस खबर पर हमसे ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता प्रवीण जुड़ चुके हैं गाजियाबाद से। प्रवीण, कार्रवाई की जा रही है सरकार द्वारा, 35 से 40 साल पुराने इस अतिक्रमण पे आज बुलडोजर चला है, क्या जानकारी है? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं, ये गाजियाबाद में जिस तरह से डासना क्षेत्र का पूरा मामला है, डासना क्षेत्र के अंदर उस्मान गढ़ी एक
गांव है जहां पर कुछ उस्मान नाम के एक व्यक्ति द्वारा वहां पर अवैध अतिक्रमण किया गया था। कुछ ऐसे प्लॉट्स थे वहां पर जिसने वो उसने वहां पर बिक्री की थी और वहां पर कई लोगों द्वारा अवैध अतिक्रमण किया गया था। कहीं ना कहीं बात की जाए कि वहां के जो प्रशासन की बात की जाए, वहां के शासन की बात की जाए गाजियाबाद के, तो गाजियाबाद शासन ने लगातार इनको वॉर्न भी किया था, इनको लगातार नोटिस भी कई बार जारी कर चुके थे, लेकिन इन लोगों का किसी भी तरह से वहां से हटने का मन नहीं था। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि इस समय बाबा की सरकार है, योगी आदित्यनाथ की सरकार है, और कहीं ना कहीं जितने भी भूमाफिया हैं, चाहे वो अतिक्रमण को लेकर हो या फिर वो कहीं ना कहीं गैंगस्टर हो या कोई भी व्यक्ति हो, किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। लेकिन खास तौर पे उन लोगों के अंदर जो हौसला बुलंदी थी उनकी, जिस तरह से वो अवैध कब्जा करके बैठे थे, कहीं ना कहीं आज वो वाक्य देखने को मिला। लगातार वहां पर बुलडोजर आया, पूरा जिला प्रशासन मौजूद रहा वहां पर, शासन मौजूद रहा, उनकी पूरा फोर्स वहां पर मौजूद रही, और कहीं ना कहीं बाबा का बुलडोजर गाजियाबाद के डासना में चला और बहुत ही अच्छे तरीके से बुलडोजर चला कि जिस तरह से जो नेस्तोनाबूद कर दिया गया था घरों को, लगभग 3 घरों को नोटिस भेजा गया था अभी फिलहाल के लिए, जो कि गाजियाबाद में लगातार कार्रवाई चल रही है। और डासना की बात करें तो डासना में वो 3 प्लॉट को चिन्हित किया गया था जिनको नोटिस भेजा गया था, लेकिन कहीं ना कहीं वो लोग हटने का नाम नहीं ले रहे थे। और आपको बता दूं, लगातार जो ये जमीन थी ये सरकारी जमीन थी, ये एक तालाब की जमीन थी, सरकारी जमीन थी। कहीं ना कहीं वो तालाब उस समय पर, पुराने समय पर 20 से 40 साल पहले वहां पर तालाब हुआ करता था, उस तालाब में भराव करके जिस तरह से वहां पर अवैध बिल्डिंग बनाई गई, अवैध वहां पर अतिक्रमण किया गया, तो कहीं ना कहीं बाबा का बुलडोजर वहां चला और जो वहां के जो भूमाफिया थे उन लोगों के ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी लगातार प्रशासन और शासन द्वारा, क्योंकि उनको भी, उनकी भी गिरफ्तारी होगी, उनके ऊपर भी कई एक्ट के द्वारा उनके मुकदमा दर्ज किया जाएगा। जी जी प्रवीण, इस कार्रवाई के दौरान कौन कौन मौजूद रहा था? देखिए, वहां पर मौजूद थे, वहां के पुलिस प्रशासन मौजूद थे, वहां पर काफी फोर्स में पुलिस भी आई थी, और बात करें वहां पर तो एसपी देहात भी आए थे, इराज राजा हैं वो, एसपी देहात हैं वहां से, वो आए थे, साथ में एसडीएम विनय कुमार भी मौजूद रहे वहां पर, और वहां पर तो इसलिए बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से वहां पर बुलडोजर चला, और कहीं ना कहीं बाबा का बुलडोजर अब जो उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं उन भूमाफियाओं के खिलाफ चल रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है गाजियाबाद के अंदर में। ऐसे और भी कुछ मकानों को चिन्हित करा जाएगा अभी, क्योंकि सबका एक लिस्ट निकाली जा रही है। हमने जब एसडीएम साहब से बात की थी तो एसडीएम साहब ने हमें साफ तौर पर बताया कि ऐसे और भी जो घर है उनको भी चिन्हित किया जा रहा है, जो अवैध अतिक्रमण करके बैठे हैं, कई सालों से बैठे हैं, जो जो गवर्नमेंट की जमीन है या फिर किसी तरह से वो एक तालाब की जमीन हुआ करती थी, लेकिन उस पे आज जिस तरह से बिल्डिंग बना के वहां पर अतिक्रमण करा है लोगों ने, उस पर भी कार्रवाई होगी, उस पर भी बुलडोजर चलेगा। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता प्रवीण जुड़े थे गाजियाबाद से। उत्तर प्रदेश समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में आने वाले दिनों में गर्मी और विकराल रूप धारण कर सकती है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 3 से 4 दिनों में उत्तर प्रदेश समेत हरियाणा, पंजाब, दिल्ली तथा राजस्थान के ज्यादातर हिस्सों में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस का इजाफा होने का अनुमान है। इस दौरान उत्तर प्रदेश और दिल्ली के कई हिस्सों में हीट वेव का भी प्रकोप जारी रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर प्रदेश में लोगों को आने वाले 1 सप्ताह तक गर्मी से राहत मिलने के कोई अनुमान नहीं है। तो प्रचंड गर्मी देखने को मिल रही है और गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ा हुआ दिख रहा है, और मौसम विभाग ने भी ये चेतावनी जारी करी है कि आने वाले 2 से 3 दिनों तक गर्मी में कोई राहत देखने को नहीं मिलेगी। आने वाले 1 सप्ताह तक गर्मी से राहत मिलने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। अभी बारिश की भी दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है, और ऐसा ही माना जा रहा है कि हीट वेव चलेगी, लूप चलती रहेगी और आने वाले दिनों में गर्मी बढ़ेगी। और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता अजय प्रताप जुड़ चुके हैं रायबरेली से। अजय, रायबरेली में गर्मी की बात करी जाए तो दिन में क्या लोग घर से बाहर निकल रहे हैं? जिस तरह की गर्मी हो रही है, लोगों को किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? जैसे कि आपको बता दूं कि रायबरेली में जो वेव हीट चल रहा है उसको लेकर लोग काफी ज्यादा परेशान है, घर से निकलना बहुत उनके लिए दुभर हो चुका है। और आपको बता दें कि जो यहाँ पे चौराहों पे पानी की व्यवस्था होनी चाहिए वो नहीं है, क्योंकि लोग यहाँ पे लस्सी जो लगे हुए ठेले, गन्ने के जूस पीकर काम चला रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके की हीट वेव चल रहा है इसमें लोग कहीं ना कहीं परेशान है, क्योंकि जो गर्मी 1-2 महीने पहले आनी चाहिए
वो मतलब नहीं आ पा रही है। लगातार जो मई जून में बननी चाहिए वो अप्रैल के माह में इतनी भीषण गर्मी है, तो ऐसा निर्देश होता है कि आने वाले 15 से 20 दिन में गर्मी का प्रकोप कहीं ना कहीं अत्यधिक हो जाएगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता अजय जुड़े थे। तो भीषण गर्मी देखने को मिल रही है, लोग काफी परेशान हैं, दिन में बाहर निकलने से भी लोग कतरा रहे हैं और दिन के समय सन्नाटा सा हो जाता है सड़कों पे, सुबह और शाम ही चहल पहल देखने को मिल रही है। तो वहीं मौसम विभाग ने भी अनुमान जताया है कि किस तरह से आने वाले दिनों में गर्मी देखने को मिलेगी। चार बजे की चार बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस